टूर से राइड मिल गई है, ये आप चेक करें। अब मिनी की राइड डालो, करोला भागती भी आ रही होती है, सिविका आ रही होती है, जितनी भी राइडें मैं उठाता हूँ वो ज़्यादातर जो होती है वो मिनी की नहीं होती वो। अब सब ठीक है। अच्छा गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1:19, और अभी हमें पहली राइड मिली है ये सेक्टर एम से, इनको फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल लेके जाना है 768 में। तो अभी मैं कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ, और इस कस्टमर को मैं ड्रॉप करके फिर मैं आपको नेक्स्ट राइड के बारे में बताता हूँ। ये मुझे इनको जो है ना कासी मार्केट लेके जाना है, 586 रुपये में हॉस्पिटल रोड से इधर से उठाना है, जहाँ पे मैंने अभी पिछली राइड ड्रॉप की है ना फौजी फाउंडेशन से, वहाँ से ही मैंने पिक करनी है अगली। तो ये राइड ड्रॉप करके मैं आपको बताता हूँ अगली राइड के बारे में। मुझे यहाँ से अगली राइड मिल गई है, ये जो है ना कासी मार्केट में राइड को ड्रॉप कर दिया था, और अभी जो है यहाँ से मुझे नेक्स्ट राइड मिली। चेक करा तो आपको इनको जो है डॉक चौधरीया लेके जाना है, MH हॉस्पिटल के पास से डॉक चौधरीया लेके जाना है, और ये 550 रुपये की राइड है, 7 किलोमीटर का रास्ता है। डॉक चौधरीया से इनको DHA 2 लेके जाना है, तो ये राइड में ड्रॉप करके मैं आपको अगली राइड के बारे में बताता हूँ। 700 की राइड है और 13 किलोमीटर की राइड है। अच्छा गाइज, मैं आपको बता दूं, मैं जितनी भी राइडें मैं उठाता हूँ वो ज़्यादातर जो होती है वो मिनी की नहीं होती, वो होती है राइड की या एसी राइड की। मैं आपको समझाता हूँ, आपको शायद समझ ना आए इस तरह। तो इसमें आप देखें कि जब कोई राइड करता है तो उसके बाद इधर ऑप्शन आता है, ठीक है, ये देखिए राइड का, ये होता है राइड। इसमें और मिनी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। फेयर में मिनी में 470 होगा, तो इधर जो है ना 650 होगा, ठीक है ना। ये एसी राइड और राइड, इनके फेयर में तकरीबन 20-30 रुपए का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो मुझे जो मैं ज़्यादा राइडें उठाता हूँ वो उठाता हूँ राइड की, ठीक है। उनका फेयर अच्छा होता है, 10 किलोमीटर का 650 इस तरह। अभी मैं डॉक चौधरीया लेके आया हूँ उधर से MH हॉस्पिटल से, तो वो तकरीबन था 7 किलोमीटर, मुझे 550 रुपये दिए। अगर मिनी की होती तो वो 350 बोल रहे थे, ठीक है ना। तो लोग तो चले जाते हैं, ठीक है, 400 रुपये में, उनको नहीं इशू। तो मिनी पे अगर मैं कहूँ ना कि सारी राइडें मिनी पे आने ला जाएँ और सिर्फ मिनी की राइड हो, तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, क्योंकि मिनी पे नुकसान है। मिनी की बहुत कम राइडें मैं उठाता हूँ, ठीक है। तो उसको ये होता है कि फ़र्ज़ करे ये राइड है, ठीक है, और ये 7 किलोमीटर है, तो मैं इसको बोलूँगा इधर से 480, ठीक है ना। अब ये 380 बोल रहा है, लेकिन यही राइड अगर दूसरी होगी ना, राइड वाली या एसी वाली, तो उसका फेयर 550 डायरेक्ट होगा, तो वो फिर मैं कस्टमर फेयर पर उठा के चला जाता हूँ, मुझे उसमें फ़ायदा है। तो ये सीन है सारा, मिनी की वजह से सारा काम ख़राब है। अगर देखें ना, मिनी की राइड आ रही है, देखें 25 किलोमीटर, देखें 850 पे कितना पागल बना रहा है, ठीक है ना। यहाँ से अभी मैं DHA 2 में खड़ा हूँ, यहाँ से PWD भी जाऊँ ना, मुझे 500-600 रुपया मिल जाएगा, तो मैं मज़ीद 200-250 रुपये के लिए मैं क्यों जाऊँ G8 में। तो ये सीन है। लोग जो है ना मिनी में सिर्फ मेहरान को डालें, ठीक है, पुरानी गाड़ियों को डालें, कोरे को डालें, आल्टो वैगनार, ये बड़ी गाड़ी जितनी भी है ना, करोला, प्रियस, ये भी माशाल्लाह से मिनी में भाग रही थी, इनको निकाल ले, ठीक है ना। जैसे करीब में होता था मिनी में छोटी गाड़ियाँ होती थी, ठीक है, तो और इसी तरह गो में बड़ी गाड़ियाँ, गो प्लस में बड़ी गाड़ी, इसी तरह जैसे इन्होंने कंफर्ट में बड़ी गाड़ियाँ डाली हुई नई वाली, इसी तरह मिनी में छोटी डाल देना, इनको क्या तकलीफ़ है। इन्होंने सारा सिस्टम हिला के रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मिनी में छोटी गाड़ियाँ हों तो फिर हर बंदा जिसको फिर बड़ी गाड़ी पर जाना है ना, आल्टो वैगनार पे, तो फिर उसको जो है ना फिर पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे ये है कि फिर मेहरान वालों को नुकसान नहीं होगा, उनको भी राइड मिल जाएगी, और हम जैसे लोग जो है ऑटो वैगनार वाले, इनको भी जो है ना अच्छे रेट पे राइड मिल जाएगी, कस्टमर रेट पे उठा के चले जाएंगे, तो स्यापा ही ख़त्म। लेकिन नहीं, जलालत तो डालनी है इन्होंने। अब मिनी की राइड डालो, करोला भागती भी आ रही होती है, सिविका आ रही होती है। DHA 2 से राइड मिल गई है, ये आप चेक करें। इसको जो है अस्करी 14 लेके जाना है, अस्करी, हाँ 14 लेके जाना है, और 850 रुपये की राइड है, DHA 2 से पिक करना है। तो राइड अच्छी है, ठीक है, तो इसको ड्रॉप करके मैं आपको नेक्स्ट राइड के बारे में बताता हूँ। 14 में 850 रुपये की राइड ड्रॉप कर दी थी, लेकिन अस्करी 14 का ये इशू बन रहा था, अभी रात के भी बज रहे तकरीबन शाम के 5:30, 5:48, यहाँ पे ये इशू बन रहा था कि यहाँ पे राइडें कम थी, और जो राइड आ रही थी ना तो वो बहुत कम फेयर पे लोग लेके जा रहे थे, तो काफ़ी राइडों मैंने ऑफ़र दिया तो नहीं माने लोग, कम पैसे दिए नहीं, तो फिर काफ़ी देर हो गई। मैंने कहा यहाँ से निकलते हैं, सदर जाते हैं, सदर की राइड आई है मुझे, ये देख,
तो इसको पहले मैंने बोला है 520, नहीं माना, फिर 400 सीधे मान गए, तीन चार दफ़ा बोला तब माना है। तो ये कि यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे खड़े रहे तो टाइम वेस्ट होगा, तो अभी सदर की तरफ जा रहे हैं, 7-8 किलोमीटर की राइड है 480 रुपये की, तो इसको ड्रॉप करते हैं सदर में रेलवे स्टेशन की, इसकी डेस्टिनेशन डली हुई है, तो फिर मैं आपको अगली राइड के बारे में बताता हूँ। तो फिर भी काम समझ में आ रहा है, अच्छा है, कल तो काम इतना बुरा था आप यकीन करें, राइड ही नहीं थी ठीक है, और ऊपर से जो राइड आ रही थी सारी टोटल मिनी की राइड आ रही थी ठीक है, पर कल मैंने काम नहीं किया, मैं 3 राइड उठाई है और मैं वापस आ गया, तो काम मज़े का ना हो नहीं करता मैं। तो मैं पहुंचा इधर फेज 7 की गेट के बाहर खड़ा, तो मुझे राइड नहीं मिल रही, तो यहाँ 3 बंदे खड़े थे प्राइवेट, मैंने बोला ले जाता हूँ, उन्हें बोला फेज 8 जाना हेड ऑफिस, मैंने बोला 500 लूँगा, कहते नहीं जी 500 नहीं 400 रहेंगे, मैंने कहा 400 किस बात का, मैंने कहा फेज 8 बहरिया हेड ऑफिस से मैं लेके आया हूँ उधर उस दिन राबी सेंटर 500 रुपये में ठीक है प्राइवेट, और इन ड्राइवर पे मैं 550 रुपये मिलाता हूँ ठीक है। वो बोलता है नहीं जी 400 में लोग ले जाते हैं, मैं कहा ठीक है, मुझे ही गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैंने कहा इन्होंने जो है ना ड्रामा बनाया हुआ है, मिनी राइडे भेज रहे हैं, ने पैसे कम बोलते हैं, ऊपर से प्राइवेट वाले भी बोल रहे हैं 400 में ले जाते हैं, मैंने कहा ठीक है जो आपको 400 में ले जाता है आप ले चले जाओ, मैं तो नहीं लेके जाऊंगा, मैं खाली चला गया, मैंने कहा खाली चला जाऊंगा इनको नहीं लेके जाऊंगा, अजीब इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है। वो तकरीबन 9 किलोमीटर का रास्ता है बहरिया फेज 7 से ना फेज 8 तक, तो उसका बोल रहे 400 रुपये, हद है यार, वैसे बात खुद ही इन्होंने रेट ख़राब किए हुए हैं शॉपरों ने, ये कहते हैं बस हमें जो है ना हम फ्री में ले जाएं बस किसी तरह कस्टमर को जो है ना साथ पत्नी अपना। सदर में राइड उतार दी है, तो यहाँ से मुझे राइड मिली है सदर से सिविक सेंटर फेज 4, 600 रुपये में 10-11 किलोमीटर की राइड है, अब इसको पिक करने जा रहा हूँ, फिर ड्रॉप करके आपको बताता हूँ। अरे बाइक वाले जो है ना अंदर घुस रहे होते हैं, समझ नहीं आती बंदा जो है ना क्या करें। मैंने राइड ड्रॉप कर दी है बहरिया सिविक सेंटर में 600 रुपये की, और यहाँ से मुझे एक राइड आई है फेज 6 से, इसको लेके जाना है बहरिया फेज 8 ठीक है, ये चेक करें राइड, और ये 600 की राइड है बहरिया ग्रीन लेके जाना है, तो अभी इस कस्टमर को पिक करने जा रहे हैं, इसको ड्रॉप करके मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारी जो है कितना होगी अर्निंग, कितना प्रॉफिट हुआ है सारा कुछ। मैंने राइड ड्रॉप कर दी है बहरिया फेज 8 में, और उनसे मैंने 600 रुपया ले लिया है, और आज मेरी गाड़ी चली है 112 किलोमीटर, तो ये है कि अब पेट्रोल जो लगा है मेरा आज का वो तकरीबन लग गया है 5.5 लीटर। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अर्निंग कितनी है, ये आप देखें अर्निंग है 5,132 रुपये ठीक है, 5,132 रुपये, और राइडे मैंने टोटल जो की है ना वो की है जी 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, 8 राइडे की है मैंने, और हम निकले थे आज दोपहर को तकरीबन 1 बजे काम पे, और 1:15 पे जो है ना मुझे राइड मिल गई थी, मैं चेक करता हूँ तकरीबन, हाँ जी 13:20 पे, मतलब कि 1:20 पे मुझे पहली राइड मिल गई थी, और अभी टाइम हो रहा है देखिए 7:55, मतलब 8 बज गए हैं, तो ये इस हिसाब से होता है नहीं 6.5 घंटे, तो 6.5 घंटे आज मैंने काम किए है, तो 6.5 घंटे बनता है 5.5 ठीक है, पेट्रोल ना लगा है मेरा 282, 1551 का मेरा पेट्रोल लग गया, और उसके बाद 1551 का पेट्रोल, और मेरा कमीशन चला गया जी इसमें 500 और ऐड कर लें तो 2,051 रुपये, और इसमें से आप माइनस कर लें 5,200 ठीक है ना, इसमें से माइनस कर लें 5,200, तो 3,150 रुपये आज मेरा प्रॉफिट है, पेट्रोल कमीशन निकाल के मेरा आज प्रॉफिट हो गया 3,150 रुपये, टोटल अर्निंग 5,200 रुपये हो गई ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कि कल के व्लॉग में मिलते हैं, और कोई भी आपका सवाल हो वही ज़रूर जो है ना ज़रूर नीचे कमेंट किया करें वीडियो के नीचे, अल्लाह हाफिज़।